राहुल गांधी की यात्रा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंच चुकी है। बैंड आप देख सकते हैं, ये राहुल गांधी की यात्रा में शुरुआत में देखने को मिल रहा है। गीता बुक्कल जी, मैम कैसा रिस्पॉन्स? बहुत ही बढ़िया है, भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पॉन्स जो है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो लोकतंत्र बचाने की यात्रा चल रही है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की, नफरत को खत्म कर प्यार मोहब्बत को जोड़ने की यात्रा में लाखों की संख्या में लोग चल रहे हैं। हम बहुत बहुत सबको बधाई देते हैं। मैं समझती हूँ हमारे लिए ये बहुत ही एक सुखद अनुभव है कि एक विश्व रिकॉर्ड आदरणीय राहुल गांधी जी बना रहे हैं, ना केवल कांग्रेस पार्टी, लाइक माइंडेड लोग और सभी ग्रुप भी इसमें चल रहे हैं। बीजेपी कह रही है इमेज सुधारने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी क्या कहती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कह के वो थक जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी इसी प्रकार से कह रहे ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। बीजेपी तो कोरोना के बहाने में ये यात्रा भी बंद करवाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस में मतभेद खत्म होगा इस यात्रा के बाद? देखिए, कोई मतभेद नहीं है, सभी लोग साथ चल रहे हैं और इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। कांग्रेस के साथ साथ देश पूरा मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गीता बुक्कल, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और इस समय कांग्रेस की नेता हैं। और राहुल गांधी की जो ये यात्रा है आप देख सकते हैं, उसमें तमाम लोग आज जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए आप देख सकते हैं तमाम लोग अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा का ये घेरा आप देख सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा का, और राहुल गांधी आज बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर वो पहुंच चुके हैं और यात्रा लगातार आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी की एक झलक हर कोई, हर नेता पाना चाहता है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राहुल गांधी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं किसान नेताओं से मिल रहे हैं राहुल गांधी। तो आप देख सकते हैं, आने दो आगे थोड़ा सा, मेरे को आने दो भाई साहब, आने दो। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं और किसान नेताओं से मिल रहे हैं। पगड़ी की बात किसान रख रहे हैं राहुल गांधी के आगे, और राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं। किसान आप देख सकते हैं, किसान डिप्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं किसान राहुल गांधी को। ये तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों से राहुल गांधी मिल रहे हैं। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहां पर लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जय राम रमेश जो कांग्रेस नेता हैं, तमाम और कांग्रेस की जो नेत्रियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। सर हरियाणा में किस तरीके का रिस्पांस है? हरियाणा में रिस्पांस सर, आज 113वां दिन है, हम करनाल जिले में है, कल पानीपत में थे, और पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी हरियाणा में बहुत उम्दा, बहुत उत्साहजनक रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से। समाज के हर वर्ग सड़क पर उतरे हैं, हाईवे पर उतरे हैं, सुबह 6:30 बजे से खड़े हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं।
बीजेपी पार्टी कहती है राहुल गांधी की इमेज सुधारने के लिए ये यात्रा है। देखिए बीजेपी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है, कुछ भी कहती है। मैं हर एक बयान उनके बयान पर मैं टिप्पणी करने के लिए। तो आप देख मैम किस तरीके का रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। देखिए आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यात्रा में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं किसानों के बीच और किसानों से यहां मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सर कैसा रिस्पांस है यात्रा का, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। चार किया था, लाठी चार्ज हुआ था, एक आदमी शहीद हुआ था और सैकड़ों आदमी फटड़ यहाँ नाक बाजू तोड़ी गई थी। उसके बाद कैमला में जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर था वो बुलाया था हमने, जो कृषि कानूनों के फायदे बता रहा था किसान आंदोलन के दौरान, खट्टर के हेलीकॉप्टर को नीचे ही उतरने दिया था। बहादुर सिंह मैं सर कैसा रिस्पांस मिल रहा है यात्रा को लेकर, कैसा रिस्पांस है सर? आप देख सकते हैं किसान नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ पर हुक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह हुक्का पीते हुए नजर आ रहे हैं, बात करने का प्रयास करेंगे उनसे। और आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, हुक्का यहाँ पी रहे थे। कैसा रिस्पॉन्स सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यात्रा का, कैसा रिस्पॉन्स है सर? आपको कैसा लग रहा है आप बताइए सर, आप लगातार चल रहे हैं साथ जी जी, क्या कैसी स्थिति है, कैसा रिस्पॉन्स है सर? मैं तो आपसे पूछो कैसा लग रहा है आपको, आपको क्या उम्मीद थी और कैसा लग रहा है? लोग जुड़ रहे हैं सर अपेक्षा से ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी की इमेज सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं यात्रा के साथ। ऐसा भी है तो उनको क्या इतराज है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिगड़ी हुई थी सर पहले, बिगाड़ी किसने थी, बिगाड़ी किसने थी? हरियाणा में कांग्रेस को जोड़ पाएंगे सर इस यात्रा के जरिए, कांग्रेस जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो इमेज है वो जिसने बिगाड़ी थी, तो अब क्या बुरा है इसमें अगर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है तो। और ये बात दिग्विजय सिंह की तरफ से कही गई है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस जुड़ी हुई है लेकिन मतभेद जरूर देखने को मिलता है। राहुल गांधी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं किसान नेताओं से मिल रहे हैं राहुल गांधी। तो आप देख सकते हैं आने दो आगे थोड़ा सा, मेरे को आने दो भाई साहब, आने दो। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं और किसान नेताओं से मिल रहे हैं, पगड़ी की बात किसान रख रहे हैं राहुल गांधी के आगे, और राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे किसान। आप देख सकते हैं किसान डिप्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं किसान राहुल गांधी को। ये तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों से राहुल गांधी मिल रहे हैं। राहुल जी, राहुल जी, राहुल गांधी मिल रहे हैं किसान नेताओं से। आप देख सकते हैं जगदीप सिंह ओलक
कुमारी सैलजा और तमाम किसान नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें बस्ताड़ा टोल प्लाजा से हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी जो मांगे हैं वो राहुल गांधी के आगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम किसान नेता अपनी बात रख रहे हैं राहुल गांधी के आगे और राहुल गांधी के समक्ष अपनी बातें रखते हुए नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी आज फिर से जो इतनी सर्दी है उसके बावजूद टी शर्ट में नज़र आ रहे हैं और राहुल गांधी के साथ जगदीप सिंह ओलक लगातार जो है वो बात कर रहे हैं, अपनी मांगे रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें राहुल गांधी की बस्ताड़ा टोल प्लाजा से हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, राहुल गांधी यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं तमाम किसान नेताओं से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। किसानों से मिल रहे हैं राहुल गांधी और अपनी बात किसान उनके सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी किसानों से मिल रहे हैं और किसान उनके सामने अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर इधर इधर सर राहुल सर इधर इधर तस्वीर राहुल सर प्लीज इधर आप देख सकते हैं राहुल गांधी किसानों से मिल रहे हैं। किसान उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं और जो किसान यहां पर ये मशीन लाए हैं जिसे सिंचाई की जाती है, खाद डाली जाती है और जो भी फसल उगाई जाती है उसमें अहम भूमिका निभाते हैं, उनसे मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी घरोंडा के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से आगे बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं और भी तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि लेब्रा ब्रीड का ये डॉग है, राहुल गांधी ने उसे पकड़ा हुआ है और उसे आगे साथ लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरेंद्र राठौड़ और भी कई जो कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद हैं और इसी तरीके से वो अपनी पदयात्रा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों से भी मुलाकात की है और बीच बीच में और जो भी किसान नेता मिल रहे हैं, मजदूर मिल रहे हैं या कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ राहुल गांधी के रस्सी है जिसके बीच किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो मीडिया पर्सन है। ये जो नज़दीक की तस्वीरें हैं राहुल गांधी की आप वो देख सकते हैं। राहुल गांधी तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं दूर दूर से उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और इसी बीच राहुल गांधी पानी भी पीते हैं क्योंकि लंबी यात्रा है और बीच बीच में वो लोगों से मिल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, डॉग को साथ लेकर चल रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, मजदूरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें बस्ताड़ा टोल प्लाजा और मधुबन के बीच की हैं क्योंकि मधुबन में उन्होंने स्टे करना है, वहाँ पर वो लंच करेंगे और उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद जो यात्रा है वो एक बार फिर से शुरू होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा में पूरे भारत से लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह साथ ही साथ गीता भुक्कल, दिग्विजय सिंह के अलावा जयराम रमेश और भी साउथ के नेता राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हैं और शाम को ये यात्रा करनाल शहर के अंदर प्रवेश करेगी। वहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं उनके साथ और जो यूथ हैं उनको मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब फिर से यात्रा शुरू होगी तो उसके बाद राहुल गांधी तकरीबन 4 बजे के आसपास कबड्डी का मैच देखेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हजारों लोग
जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले राहुल गांधी ने आज जब किसान नेताओं से मुलाकात की तो उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में राहुल गांधी को बताया, एमएसपी के बारे में बताया और ये भी बताया कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा का किसान आंदोलन में एक अहम रोल था। राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में वो एक डॉग जो लेब्रा ब्रीड का है उसे भी अपने साथ लेकर चलते हैं। बीच में वो मजदूरों से भी मुलाकात करते हैं, जो मजदूर खेतों के अंदर स्प्रे करते हैं वो अपनी मशीन को लेकर आए हुए थे, राहुल गांधी के आगे चलाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। और उसके बाद मधुबन के पास ही उनका स्टे हुआ है जहां पर लंच वो कर रहे हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा है कि कल राहुल गांधी मीडिया से बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे और इसी दौरान वो बीजेपी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।